देश नई पहल करने जा रहा है, इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जा रहा है। ये हाईवे बाकी के आम हाईवे जैसा नहीं होगा, ये उनसे काफी हटकर होगा। देश में बन रहे इस हाईवे पर चलते ही गाड़ियां चार्ज हो जाएंगी। इन हाईवे पर चलते हुए भारी भरकम ट्रक और बसें चार्ज हो सकेंगी। सरकार सोलर एनर्जी के चलने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का काम करने जा रही है। इस हाईवे पर लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो 30 मिनट के अंदर ही लोगों तक मदद पहुंच जाएगी। ये हाईवे कैसा होगा और इस पर किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, चलिए जानते हैं। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने इस साल वर्ल्ड ईवी डे 2022 के मौके पर दिल्ली से जयपुर ई हाईवे के दूसरे और अंतिम फेज के ट्रायल रन की शुरुआत की है। इस 268 किलोमीटर के हाईवे पर इलेक्ट्रिक बस और कार को महीने भर के लिए लगे चार्जर और तकनीक के साथ ट्रायल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दिल्ली से आगरा के पिछले 210 किलोमीटर के तकनीकी ट्रायल के बाद इस 278 किलोमीटर के इस कमर्शियल ट्रायल से देश के पहले 500 किलोमीटर के इलेक्ट्रिक हाईवे बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 500 किलोमीटर के देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे का 210 किलोमीटर का पहला फेज दिल्ली से आगरा तक 2020 से 2021 में पूरा किया गया था। इसके ट्रायल रन की शुरुआत भी दिल्ली के इंडिया गेट से ही हुई थी। 500 किलोमीटर का ये इलेक्ट्रिक हाईवे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से गुजरेगा। इस हाईवे पर 20 चार्जिंग स्टेशन, 10 इंफ्रा डिपो बनाए जाएंगे। इस ट्रायल में जहां इनके लिए प्रस्तावित जगहों पर सहमति के लिए वाहनों की रेंज और तकनीकी आंकड़ों का यूज किया जाएगा। जानकारी दे दे कि भारत में इलेक्ट्रिक हाईवे बनने की योजना 2016 में शुरू की गई थी। भारत ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे के निर्माण के लिए अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग यानी कि HVRM नामक योजना की शुरुआत की थी। तब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, जल्द ही भारत में भी स्वीडन की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। इसके तहत सभी पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके तहत सबसे पहले दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक हाईवे का ट्रायल दिसंबर 2020 से शुरू किया गया था। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे को इलेक्ट्रिक बनाने का ट्रायल 9 सितंबर 2022 को शुरू हो चुका है, जो एक महीने तक चलेगा। दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे को मिलाकर करीब 500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक हाईवे के मार्च 2023 तक शुरू होने की उम्मीद है। ये देश का पहला और दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे होगा। अभी दुनिया में सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बर्लिन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर हाईवे पर कितना खर्च आएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो सरकार इस इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने पर 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार तेजी से बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक हाईवे सरकार के देश में 26 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना का हिस्सा है। सरकार का प्लान ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के तहत देश भर के हाईवे के किनारे करीब 3 करोड़ पेड़ लगाने का भी है। भारत सरकार ने ई हाईवे को बनाने के लिए जर्मनी की एक कंपनी से समझौता किया। इस कंपनी ने इससे पहले जर्मनी की फ्रैंकफर्ट शहर में साल 2019 में ही ई सड़क बनाई थी। 6 मील लंबे इस सड़क के ऊपर बिजली के केबल लगे हुए हैं, जिसमें 670 वोल्ट का करंट दौड़ता है। इसके नीचे चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन केबल की मदद से ही अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जानकारी दे दे कि इलेक्ट्रिक हाईवे पर वाहन हाई स्पीड में चल सकेंगे। इस हाईवे पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इससे प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी, वहीं लोग कम खर्च में सफर कर सकेंगे। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ भारत।